तो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों का उद्घोष हो चुका है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं विधानसभा चुनाव, उसकी तारीखों की घोषणा कर दी है। नमस्कार दोस्तों। वैसे दोस्तों एक बात तो है, चुनाव के बाद आपको कोई पार्टी लाभ दे या ना दे, जिसकी भी सरकार बने, लेकिन चुनाव होने से पहले जरूर देने लगती है। अब जब से आम आदमी पार्टी ने बोला कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जीते तो फ्री बिजली देंगे, तब से समाजवादी पार्टी ने भी घोषणा कर दी कि हम अगर जीते तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी। अब जब समाजवादी पार्टी ने घोषणा कर दी तो फिर योगी जी कैसे पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी कर दी। मतलब देखा देखी में ही सही, लेकिन जनता का ख्याल आखिरकार उन्हें आ गया, चुनाव भी तो आ गए थे। तो उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों को उन्होंने आधा कर दिया है। 6 रुपए प्रति यूनिट की जो बिजली होती थी, अब वो 3 रुपए प्रति यूनिट की हो गई है। अब इसका असर घरों के बिजली के बिलों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो अगले महीने ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है, चुनाव आने से 2-3 महीने पहले जनता को कुछ ना कुछ लाभ तो दे दिए जाते हैं। वो बात अलग है कि चुनाव खत्म होने के बाद वो वापस ले लिए जाएंगे। अब क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो दोस्तों चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही सारी पार्टियां और उनके प्रमुख नेता आपस में भिड़ गए। क्या भाजपा, क्या सपा और क्या कांग्रेस, मतलब कांग्रेस भी ट्विटर पर पहले नंबर पर ट्रेंड कर रही थी कि आ रही है कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस की हालत अभी तो यूपी में वैसी ही है जैसी पंजाब और केरला में भाजपा की। ए टीवी वाले भाई, तो चुनाव के तारीखों के ऐलान होते ही बीजेपी ने ट्वीट किया, आ रहे हैं भगवादारी, राज तिलक की करो तैयारी। उल्टा हो गया, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। और इसी के बाद योगी जी ने भी ट्वीट किया, लोकतंत्र के महापर्व में प्रदेश के चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। इस प्रकार की बचकाना बातें। अब योगी जी ने ट्वीट किया तो अखिलेश जी का जवाब देना तो बनता ही है। मतलब ये लगे पड़े हैं नेता आपस में। 1-1 लाख केस रोज ओमिक्रॉन के आ रहे हैं, लेकिन वो छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी बात पहले होने चाहिए, चुनाव प्रचार, चुनाव और वोटिंग की। तो अखिलेश जी का ट्वीट भी देख लेते हैं। किसानों के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया, इसलिए 10 मार्च को भाजपा का साफ होना तय है। तारीख के बाद सपा ने जो संकल्प लिया है, यहाँ के लोगों को 300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं आएगा, बिल शून्य होगा। तो इस चुनाव के ऐलान होने के बाद सारी पार्टियां कुछ ना कुछ कर रही हैं, लेकिन 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती जी अभी भी पता नहीं कहां है, गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ एक अच्छी चीज ये करी है कि 15 जनवरी तक सभी प्रकार की रैलियों पर रोक लगा दी है। अब 15 जनवरी तक सारी पार्टियां सिर्फ डिजिटल रैली करेंगी। जी हाँ, डिजिटल रैली। तो भैया अभी तक जो होड़ लोगों को इकट्ठा जमा करने में लगी हुई थी कि मेरी रैली में इतने लाख आ गए, मेरी रैली में इतने लाख आ गए, अब वो होड़, वो लड़ाई व्यूज के पीछे होगी कि मेरे 1 मिलियन आ गए और मेरे 2 मिलियन। 15 जनवरी के बाद भी इतनी आसानी से इजाजत नहीं दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन एक रिव्यू करेगा, वो देखेगा कि 15 जनवरी के बाद ओमिक्रॉन कोविड की क्या स्थिति है, उसके बाद ही इन सभी पार्टियों को इजाजत दी जाएगी किसी भी प्रकार की रैली की या लोगों को इकट्ठा करके अपनी बात को कहने की। क्या करते हो चूतिया अपन ने कहा। तो दोस्तों सिर्फ यही अच्छा काम नहीं किया है चुनाव आयोग ने कि रैलियों पर रोक लगाई हो, इस बार चुनाव आयोग ने कुछ अच्छे काम किए हैं। रैलियों पर रोक के बाद चुनाव आयोग ने एक ऐप बनाया है, सी विजिल ऐप। इस ऐप का क्या काम होगा, अगर आप अपने आसपास आचार संहिता लगने के बाद किसी भी नेता या उसके लोगों द्वारा कोई गलत काम देखते हैं, जिसको आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, जैसे कि पैसे बांटना, दारू पार्टी करना, गिफ्ट बांटना, अगर आप ऐसा कुछ भी देखते हैं तो सिर्फ एक फोटो और वीडियो बना के अगर आप इस ऐप पर डाल देते हैं तो 100 मिनट के अंदर उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऐप बनाया है चुनाव आयोग ने। शाबाश बेटा। मतलब आचार संहिता लगी नहीं कि फटा पोस्टर निकला, हीरो वाली तस्वीरें सामने आने लगी।
वैसे यहाँ से तो एड निकाल दी, पर यहाँ से कैसे निकालोगे? तो दोस्तों चुनाव आते ही जैसे जनता को फायदे दिए जा रहे हैं, मतलब जो उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 4.5 साल से भी ज्यादा समय से देश की सबसे महंगी बिजली खरीद रही थी, उसकी उपभोक्ता थी, अब चुनाव आते ही उसी बिजली के रेट को आधे कर दिए गए हैं। मतलब ये बात तो सिद्ध है कि ये काम पहले भी हो सकता था, और 6 रुपए प्रति यूनिट की जगह 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली अगर उत्तर प्रदेश के लोगों को दी जाती तो सरकार को उसमें कोई घाटा नहीं हो रहा था, क्योंकि अब तो रेट कम कर ही दिए हैं, तो अब कैसे कर दिए हैं अगर पहले कोई दिक्कत थी तो। रुको जरा। इसी के साथ मार्च तक गरीबों के लिए फ्री राशन की सुविधा को भी बढ़ा दिया गया था, क्योंकि मार्च में ही रिजल्ट आना है, उसके बाद अगर इनकी सरकार बनी तो भी नहीं देंगे, और अगर नहीं बनी तो मतलब ही नहीं है। तो बंधु कहने का मतलब यह है कि चुनाव आते ही अगर लोगों को इतना जबरदस्त फायदा दिया जा सकता है, तो आप लोगों को नहीं लगता कि चुनाव हर 2 महीने में होने चाहिए? तो भैया 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के नतीजे आ जाएंगे। अब क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ इसलिए उत्तर प्रदेश की बात ज्यादा कर रहा हूँ। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के नतीजे आ जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि साइकिल दौड़ेगी, कमल खेलेगा, हाथी दहाड़ेगा या फिर हाथ पड़ेगा। तो भैया जिस भी दिन आपके यहाँ वोट पड़ रहे हो तो उसको छुट्टी का दिन ना समझें, पिकनिक ना बनाएं, घरों से निकले वोट करें, क्योंकि अगर आप वोट नहीं कर रहे हैं तो आपके पास फिर हक भी नहीं होता है अपने विधायक, नेता, मंत्री, किसी से भी कुछ भी पूछने का कि वो उनके लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जब आप वोट देंगे तो आप हक भी तभी पाएंगे कि आप उनसे सवाल पूछ पाएं। तो दोस्तों मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में 2 ही लोगों के बीच में लड़ाई है, योगी जी और अखिलेश जी, यानी भाजपा और सपा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो सरकार पिछली बार जीती थी जो अभी चल रही है, बस उसका घोषणा पत्र उठाइए, उसमें से देखिए कि क्या क्या वादे इन्होंने किए थे और क्या पूरे कर दिए और क्या पूरे नहीं किए। अगर तो आपको समझ में आए तो इनको वोट दीजिए, अन्यथा मत दीजिए, दूसरे ऑप्शन तो है ही। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि योगी नहीं तो कौन, वरना मजबूरन मुझे चुनाव में खड़ा होना पड़ेगा। तो मेरा काम पसंद आता हो तो मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। तो भैया जिस तरीके से अर्णब गोस्वामी अपने मुक्के को टेबल पर मारता है, ठीक उसी तरीके से एक मुक्का सब्सक्राइब के बटन पर भी मार दीजिए। वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।